आज देखो हमने अनुवंशिक पदार्थ डीएनए और वायरसों के अंदर जो अनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जेनेटिक कोड अनुवंशिक कोड के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, अनुवंशिक गुण जा रहे हैं, लक्षण जा रहे हैं, लेकिन अब ये गुण या लक्षण किस रूप में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं दूसरी पीढ़ी में। हमने मैसेंजर आरएनए के द्वारा मैसेज बन रहा है जो ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो ट्रांसफ़र आरएनए ऐसा क्या ले जा रहा है दूसरी पीढ़ी में। तो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर नाइट्रोजिनस क्षारकों का तीन तीन का समूह, नाइट्रोजिनस क्षारकों का तीन का ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CUC, AUG, CUU, कुछ भी लिख दो आप, पर बस वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन इनमें से ही होना चाहिए, कुछ भी में रुक भी नहीं चलेगा। नाइट्रोजिनस क्षारक होना चाहिए, यानी नाइट्रोजिनस क्षारकों के तीन तीन का समूह, जैसे लिखा मैंने, तो ये क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कोड। क्या कहलाता है ये, ट्रिपलेट कोड। और इस ट्रिपलेट कोड, जितने भी ट्रिपलेट कोड है, हर ट्रिपलेट कोड एक विशेष एमिनो एसिड, एक विशेष अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है। जैसे ये मान लो किसी भी विशेष अमीनो अम्ल के लिए कोड है, तो ये किसी दूसरे के लिए कोड नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ लिखा हमने UAA, UGA, UAG, तो यूनी के दो अमीनो अम्ल के लिए एक ही कोड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हर अमीनो अम्ल के लिए निश्चित कोडान होता है, एक निश्चित कोड होता है और उसके अंदर जो सूचना जाएगी वो वही सूचना जाएगी। यूनी के एक कोड नहीं है तो दूसरा है, तो वह ये जा रहा है, दूसरा जाएगा तो उसके द्वारा दूसरी सूचना ले जाई जाएगी। तो नाइट्रोजिनस क्षारकों के तीन तीन का समूह ट्रिपलेट कोड कहलाता है, और हर ट्रिपलेट कोड एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है, और जो अमीनो अम्ल जा रहा है उसके द्वारा विशेष प्रकार का गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाया जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड और तीन का समूह है, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया, ट्रिपलेट कोड। क्लियर है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जो परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो डेफिनेशन हो गई, अब देखो इसकी विशेषताएं। सबसे पहला लिखा हमने कोड सार्वत्रिकता, यानी कोई भी आनुवंशिक सूचना है वो बिना एमिनो एसिड बने, यानी तीन तीन के ग्रुप के बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुँचेगी। यानी हर अमीनो अम्ल के लिए क्या है, एक विशिष्ट कोडान है, और हर जीव के अंदर लिखा आपने कोड सार्वत्रिकता। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो खाली ये हमारे मनुष्यों में ही होगा, नहीं, जहाँ जहाँ डीएनए है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाएँ या गुण पहुँच रहे हैं तो सब जगह क्या होगा, ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड होंगे, और उन्हीं के द्वारा सूचनाएँ दूसरी पीढ़ी में पहुँचाई जाएगी। हर जाति विशेष के लिए ये लागू होता है, इसलिए लिखा हमने कोड सार्वत्रिकता। क्लियर है। इसके बाद दूसरा लिखा हमने ट्रिपलेट कोड। अब यूनी के कहीं पर ट्रिपलेट कोड की संख्या कम है तो ये दो नहीं मिलकर बना दिया, बिल्कुल भी आनुवंशिक सूचना या जेनेटिक मैसेज जब भी बनेगा, कोड जब भी बनेगा हमेशा कितने होंगे, तीन होंगे, जैसे AUG, UAG, UGA, हर एक के लिए एक विशेष अमीनो अम्ल है, ठीक है, और तीन का ग्रुप भी होगा। फिर अगला लिखा मैंने कॉमा रहित। अब इसका मीनिंग क्या है कॉमा रहित का, देखिए
सीखा हमने कि समाप्त। अब जैसे लाइन बनाते हैं हम, तो कुछ
कुछ ऐसे बना लेते हैं या कुछ भी खड़े हो जाते हैं, हम हाइट वाइज लाइन बनाते हैं या जो भी हमें बोला जाता है कलर वाइज जैसे भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए आरएनए की श्रृंखलाएँ बनेगी या जो मैसेज बनेगा, अब मैसेज जैसे अपन कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट अपनी बात लिख देते हैं क्या, उसकी भूमिका बनाते हैं ऊपर। तो ऐसे कोई आनुवंशिक सूचना या कोड बन रहा है तो उसको स्टार्ट करने वाला, उसको शुरू करने वाला एक निश्चित क्या होता है, ट्रिपलेट कोड होता है, वो लगेगा यानी वो आएगा सबसे पहले शुरुआत में, वो ही जाकर आगे की क्या होगी, श्रृंखला बनेगी। तो किसी भी श्रृंखला को शुरू करने वाले जो कोडान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रृंखला प्रारंभ कोडान कहलाते हैं। वो ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी है, कौन AUG कोई सा भी जेनेटिक कोड बनेगा उस हमेशा कौन होगा सबसे पहले, AUG, उसके बाद में दूसरे वाली कोई से भी कोड जुड़ते जाए, लेकिन जो इनिशिएटिंग कोडान जो होगा श्रृंखला प्रारंभ कोडान होगा वो कौन होगा, AUG। याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव कंजक्शन। इसके बाद लिखा हमने श्रृंखला समापक कोडान। अब वैसे तो मैं नहीं, कुछ भी जुड़ जाएगा, दूसरे बहुत सारे जुड़ेंगे बीच में अलग अलग प्रकार के, लेकिन अंतिम कोडान कौन होंगे, UAA, UGA और UAG। अब ये मैंने मन से नहीं लिखे, ये फिक्स है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल अपने हिसाब से लिखे थे, लेकिन ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रारंभक कोडान ये होते हैं और समापक कोडान ये होंगे। जब ये जुड़ जाएंगे किसी श्रृंखला के आखिर में तो फिर आगे जाकर वो मैसेज बड़ा नहीं बनेगा, उतना ही ले जाएगा जेनेटिक कोड। क्लियर है? अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम, बोले बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको याद करना ही है। अब ये कुछ टर्म और लिखी है मैंने यहाँ पर, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्या होती है लिखा है, सिस्ट्रॉन क्या होती है, पेप्टाइड। अब वो पेप्टाइड क्या होते हैं पहले तो ये बताओ जरा, तुम लोग हम अभी बहुत बार बार बात कर रहे हैं प्रोटीन अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है और अनेक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ते हैं और एक बड़ी श्रृंखला बनती है, उसी को हमने कहा है प्रोटीन। अब बहुत सारे प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे, अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, इसीलिए कहा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोडित करने वाले कौन, या तो डीएनए के खंड या जीन, क्योंकि जीन के अंदर ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करने वाले जीन या डीएनए के खंड वो क्या कहलाते हैं, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद अगला देखिए आप, रेकॉन, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली होती है, और गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली कब होती है, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के दौरान होती है। तो यही एक क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिकॉम्बिनेशन को प्रेरित करने वाले जो खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेकॉन कहलाते हैं। इसके बाद अगला आया न्यूटॉन। इस न्यूटॉन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रेंजर ने किया था, और म्यूटेशन कहते हैं इसको, उत्परिवर्तन, जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन ये क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन। तो जीवों में उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले जीन या डीएनए के खंड वो क्या कहलाते हैं, म्यूटॉन। अब ये जो उत्परिवर्तन बार बार बोल रहे हैं ये जीवों के लिए लाभदायी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायी होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही हो, लेकिन उत्परिवर्तन हुआ और वो बीमारी क्या हो गई, ठीक हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर तो ये हानिकारक ही होते हैं रेडिएशन के प्रभाव से, या कभी भी उत्परिवर्तन हो सकता है जेनेटिकल चेंज, तो हानिकारक जो हुआ
तो मनुष्य के अंदर असाध्य बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, गुणसूत्री बीमारियाँ। और गुणसूत्री बीमारियाँ इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। ठीक है।